मंत्री रोजगार देने में नाकामयाब रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा देने में नाकामयाब रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री के रहते हुए बिहार बदनामी के साथ साथ जो बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हुआ। इसीलिए बिहार की जनता ने पूरी तरीके से इस बात का मन बना लिया कि इस बार बिहार को बदलना है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले मुख्यमंत्री 15 साल से निरंतर एक सुशासन बाबू का, एक जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन का चोला पहनकर घूमते रहे 15 साल से, आज 15 साल में उन्होंने बिहार को कितना लूटा एक एक करके अब उसकी कलाई खुलने लगी है। जिस तरीके से 7 निश्चय के ऊपर आयकर विभाग के द्वारा यहाँ पर छापे मारे गए, जिस तरीके से बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में नकदी यहाँ से बरामद हुई, इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है देने के लिए। मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी सा चुके हैं इन चीज़ों पर। मुंगेर में इतनी बड़ी घटना होती है, वहाँ पर दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है, भाई मुख्यमंत्री एक बार आके जवाब तो दें कि किसने निर्देश दिए, किसके आदेश पे गोली चली। आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं, क्या आपके निर्देश के बिना एसपी साहिबा वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे देंगी? आपके द्वारा ये आदेश दिए गए, आपके कार्यालय के द्वारा आदेश दिए गए, किसके आदेश पे वहाँ पर गोली चलाई गई दुर्गा भक्तों के ऊपर, इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री। पर जब ऐसी कोई बातचीत होती है, ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो ये अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, और ये अविश्वास बिना आग के धुआं नहीं निकलता, ये अविश्वास बिना मतलब के नहीं कहीं पर पैदा हुआ है, ये मौजूदा मुख्यमंत्री की सोच का ही नतीजा है। मौजूदा मुख्यमंत्री माने जाते हैं, अगर इनको पलटने का पंडी राम जैसे जो भी नाम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ना भैया कि आप बार बार आप जिसका विरोध करते हैं उसी के साथ जाकर आप सरकार बना लेते हैं। 2005 से 2015 तक घोर विरोधी आप रहे लालू जी के, उन्हीं का विकल्प बनकर आप आए थे सरकार में। जंगल राज का की बात कर करके जिस सरकार, जिस बिहार की जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज 2015 में उन्हीं लालू जी के समर्थन के साथ आपने सरकार बना ली।